हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेम कुमार है और आज हम लोग जेनेटिक्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस गिवन बाय, जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है उसको किसने दिया था। तो इसका आंसर आ जाता है वोल्ट ने जो है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दिया था। ठीक, बाकी जो साइंटिस्ट है जैसे लेमार्क, विज़मान, डार्विन और जॉन स्मेडन में बोनेट, इन्होंने भी अपना अपना एक थ्योरी दिया था। ये सब जो थ्योरी हैं ये किसके अंतर्गत आता है, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जब कोई कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मैंने जैसे पहले ही बताया था पांच जो है थ्योरी आता है। ठीक, तो मतलब इन्होंने ये बताया था कि कोई कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र होता है। कोई कैरेक्टर है वो पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में पांच इन साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसमें से सबसे पहला थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस और थ्योरी ऑफ जर्म प्लास, ये पांच थ्योरी है जो प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें से सबसे पहला थ्योरी जैसे कि अपन ने पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है प्री फॉर्मेशन। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन क्या बोलता है कि जो गैमेट होता है, जैसे आप सबको पता है मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, तो वैसे जो गैमेट होता है उस गैमेट में जो है एक पहले से जो है बहुत छोटा ह्यूमिनिक्यूल्स रहता है। ह्यूमिनिक्यूल्स मतलब कॉपी रहता है ह्यूमन का, वो बहुत छोटा रहता है। वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, मतलब एक पेरेंट हो गया, यही जो है पेरेंट से क्या जाता है प्रोजेनी में जाता है, मतलब मदर में जाता है। और इसके साइज में केवल और केवल डेवलपमेंट होता है जिससे कि ये क्या कहता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, और इसी से मतलब बोलना चाहिए बर्थ होता है। तो इसने क्या बोला था कि ह्यूमिनिक्यूल्स टर्म यूज़ किया था कि ह्यूमिनिक्यूल्स होता है गैमेट्स में, और यही ह्यूमिनिक्यूल्स में ग्रोथ के कारण आपका जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होता है करके। और ह्यूमिनिक्यूल्स क्या होता है, ह्यूमिनिक्यूल्स को अपन क्या बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल ह्यूमन बोल सकते हैं या मिनिएचर ह्यूमन बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गैमेट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गैमेट में। आप लोगों को पता है ये हो गया एग या स्पर्म बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है जैसे कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, एग होता है। ठीक, और इसमें स्पर्म आके फ्यूज होता है जिससे हमारा क्या बनता है, जायगोट बनता है। और यही जायगोट में कंटिन्यूस क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का। और यही एम्ब्रियो जो आपका जो है जैसे ह्यूमन के केस में 9 मंथ के आफ्टर इसका बर्थ होता है या इसका जन्म होता है बोलना चाहिए। ठीक, तो वैसे ही जो है प्री फॉर्मेशन थ्योरी में ह्यूमिनिक्यूल्स टर्म दिया था। ठीक, इसमें यही जो है कि इसको किसने दिया था, स्मेडन बोनेट ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, और दूसरा टर्म इसने यूज़ किया था ह्यूमिनिक्यूल्स जो टर्म यूज किया था वो। इसके बाद दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जो है वुल्फ ने दिया था, ये वाला अपन क्वेश्चन अभी अभी देखे, बहुत बारी वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, ये थ्योरी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये वाला जो थ्योरी है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसने क्या बोला था, गैमेट होता है। ठीक, इसने बोला कि गैमेट में कोई मिनिएचर ह्यूमन नहीं रहता। उसने क्या बोला, एग और स्पर्म सेल होता है, दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, एक सेल है, ये जो है स्पर्म सेल के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने से किसका फॉर्मेशन करेगा, जायगोट का। और जायगोट के बाद इसमें क्या होगा, वाइटल फोर्सेस लगेंगे जिसके कारण ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। जिसके कारण वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का।
तो इसने जो है प्री फॉर्मेशन थ्योरी को बोलना चाहिए डिसअप्रूव किया, उसके बाद अपना एक अलग से थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। लेकिन इसने यहाँ पे ये नहीं बता पाया कि जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, मतलब एक जो जायगोट होता है यूनिसेल्युलर होता है, आप सबको पता है जायगोट होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, तो जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है ठीक, इसके बारे में ये नहीं बता पाए थे, इसलिए इस थ्योरी को उस टाइम जो है एक्सेप्ट नहीं किए थे ठीक। उसके बाद तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक वाइट कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ एक वाइट कैरेक्टर जो है लैमार्क ने दिया था, ये वाला तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले से अपन ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ एक वाइट कैरेक्टर है लैमार्क ने दिया था। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अपन जो सीखते हैं ठीक, जैसे सीखते हैं जैसे पढ़ना सीख गया है ठीक, लिखना सीख गया है, या तैरना सीख गया है, या साइकिल चलाना सीख गया है, तो ये जो चीज़ें हैं यही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ऐसा करके लैमार्क ने बोला। ये कैरेक्टर जो सीखते हैं वही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ऐसा करके किसने बोला, लैमार्क ने बोला। तो इसका जो थ्योरी है इसको डिसअप्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था विज्मान, जिन्होंने जो है 22 जनरेशन तक चूहे का जो है पूछ उसको काटा, कंटिन्यूसली जो है 22 जनरेशन तक चूहे का पूछ काटा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मैंने 22 जनरेशन तक अगर चूहे का मैं पूछ काट रहा हूँ तो मुझे 23वें जनरेशन में चूहा जो है बिना पूछ वाला मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जो है 22 जनरेशन तक ये जो कैरेक्टर है बिना पूछ वाला जो कैरेक्टर है उसको अडॉप्ट कर लिया होगा, तो 23वें जनरेशन में मुझे क्या मिलना चाहिए, बिना पूछ वाला चूहा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इससे उन्होंने जो है ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इसको डिसअप्रूव किया था। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसको डिसअप्रूव किया था, तो विज्मान ने किया था, कैसे किया था, 22 जनरेशन तक चूहे का पूछ काट के। इसके बाद चौथा थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था ठीक। दिस थ्योरी स्टेट दैट वेरी स्मॉल एग्जैक्ट बट इनविजिबल कॉपी ऑफ ईच बॉडी ऑर्गन, जिनको अपन गेम्यूल बोलते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड स्ट्रीम टू द सेक्स ऑर्गन्स। इसने क्या बोला कि हर एक बॉडी ऑर्गन में, जैसे कि ये हेड है ठीक, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता ठीक, और जैसे कि ये हैंड है, अरे उन लोगों का एक आदमी है उसका पैर है, तो इसने क्या बोला, हर एक बॉडी ऑर्गन में, जैसे हाथ है तो हाथ में एक छोटा सा जो है गेम्यूल बनेगा, गेम्यूल जो कि कॉपी लिया रहेगा किसका, उसके हाथ का, इस आदमी के हाथ का कॉपी लिया रहेगा, वैसे सिर में एक गेम्यूल बनेगा, वो किसका कॉपी ले रहेगा, उस अपने उसके जो सिर है उसका जो है एक छोटा सा कॉपी ले रहेगा, इसके पैरों में एक गेम्यूल बनेंगे। तो ऐसे करके इसने बोला कि हर एक बॉडी ऑर्गन में किसका फॉर्मेशन होता है, गेम्यूल का, और यही गेम्यूल जो है फ्यूज़ हो जाते हैं, यही गेम्यूल जो है फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसे एक गेम्यूल हो गया, दूसरा गेम्यूल हो गया, तीसरा गेम्यूल हो गया, चौथा गेम्यूल हो गया, पांचवा गेम्यूल हो गया, छठवा गेम्यूल हो गया, ये सब फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होकर जो है एक गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, फ्यूज़ होकर जो है एक गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और यही गैमेट जो है आपका फ्यूज़ होकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, मतलब एक जो है फीमेल गैमेट बनेगा, एक मेल गैमेट बनेगा, दोनों गैमेट फ्यूज़ होंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा करके किसने बोला, चार्ल्स डार्विन ने बोला। तो यहाँ पे जो टर्म है गेम्यूल टर्म, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला कि जो थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस किसने दिया था, ये वाला एक क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जो गेम्यूल टर्म है वो किसने यूज़ किया था, तो गेम्यूल टर्म जो है किसने यूज़ किया था, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्या आपका क्या है, थ्योरी ऑफ जंप प्लाज्मा। थ्योरी ऑफ जंप प्लाज्मा को जो है विज्मान ने दिया था, अगस्त विज्मान ने दिया था ठीक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ जंप प्लाज्मा किसने दिया था, तो थ्योरी ऑफ जंप प्लाज्मा जो है विज्मान ने दिया था। इसने क्या किया, जो टिशू होते हैं ह्यूमन में, जो टिशू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक, जो ह्यूमन में टिशू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उसमें से पहला टिशू को इन्होंने नाम दिया जंप प्लाज्मा, जिसको अपन रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं ठीक, जो क्या करता है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, और दूसरा उन्होंने क्या दिया, सोमेटोप्लाज्मा, दूसरा टिश्यू का नाम दिया सोमेटोप्लाज्मा, ये जो है जितना भी बॉडी ऑर्गन है उन सब की फॉर्मेशन में काम आता है ठीक। जो जितना भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे कि हाथ है,
पैरा, इन सब के फॉर्मेशन के लिए कौन सा टिश्यू काम में आता है? सोमेटोप्लाज्म। तो आप लोगों को पता है जैसे थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसको डिसप्रूव किसने किया था? विज़मान ने किया था। तो विज़मान ने एक अपना जो है थ्योरी दिया, जिसको अपन थ्योरी ऑफ जंप प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें इसने दो टर्म यूज़ किया था, एक जंप प्लाज्मा, दूसरा सोमेटोप्लाज्म। जंप प्लाज्मा वो होता है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जो टिश्यू गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसको जंप प्लाज्मा बोल दिए, और जो टिश्यू ग्रोथ में या डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसको अपन सोमेटोप्लाज्मा बोल देते हैं। ये पांच थ्योरी है प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के, जिसमें इसमें ये बताया जा रहा है कि एक जो कोई कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 256 सेल फॉर्म आफ्टर ब्लैंक नंबर ऑफ माइटोसिस। आप सबको पता है माइटोसिस सेल्स में सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं। उसमें से पहला क्या है? माइटोसिस है, और दूसरा क्या है? मियोसिस है। तो जो माइटोसिस होता है, जो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, और जिनमें क्रोमोसोम नंबर सिमिलर रहता है। ये क्या है? माइटोसिस है। और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होता है। और जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, ये आपका है मियोसिस। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम लोगों को 256 फॉर्म करना है, 256 सेल फॉर्म करना है, तो कितना नंबर आप माइटोसिस की आवश्यकता होगी? इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है। तो आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला दे देता हूँ मैं। फार्मूला है 2 द पावर ऑफ n। n किसको डिनोट करता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा इसका, अगर पूरा मैं फार्मूला लिखूँ तो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 द पावर ऑफ n। तो अपन n का वैल्यू कितना रखें? अपन को नंबर ऑफ सेल चाहिए 256, n का वैल्यू कितना रखें कि अपन को 256 वैल्यू मिल जाए? तो n का वैल्यू अपन अगर 8 रखेंगे, 2 द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 4 5 6 7 8। ठीक, ये अगर 2 द पावर ऑफ 8 रखेंगे तो अपन को इसका वैल्यू आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, आप लोगों को वैल्यू मिलेगा 256। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 8 बार माइटोसिस होगा किसी एक सेल में, 8 बार माइटोसिस होगा तो आपको 256 जो सेल हैं वो मिलेगा। ठीक, अब माइटोसिस के कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं उसको देख लेते हैं। जो टर्म्स माइटोसिस जो है फ्लेमिंग ने दिया था, यहाँ पे आएगा। ठीक, जो टर्म माइटोसिस है उसको फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक, जो माइटोसिस के जो है दो स्टेज होते हैं, मेनली जो है दो स्टेज होते हैं। ठीक, एक होता है इंटरफेस, एक होता है डिवीजन फेस। जैसे आप सेल साइकिल देखोगे तो ये आपका एक सेल साइकिल है, ये आपका ए मतलब डिवीजन फेज है, ये जो तीनों हैं G1 S J2, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। G1 S और G2 तीनों को मिला के अपन इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, प्रोटीन जो अपन का जो DNA का सिंथेसिस हुआ है वो कौन से फेज में होता है? तो DNA का सिंथेसिस आप लोगों को यहीं बता देता हूँ, S फेज में होता है, इसलिए उसका नाम S रखें। S मतलब सिंथेसिस, तो DNA का सिंथेसिस S फेज में होता है। और M फेज में जो है फिर से इसको चार फेज में डिवाइड किए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में।
ये चार फेज में अपन जो है डिवीजन फेज को फिर से डिवाइड किए हैं, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मैं कुछ कुछ जो मेन जो है कैरेक्टर हैं उस फेज को उसको बता देता हूँ। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का जैसे बता देता हूँ, मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि किसी में जो है टू एन इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम है, तो जितने भी वो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से हम अपन बोल सकते हैं कि सेल को जो है दो भाग में डिवाइड करें किए हैं ऐसा करके। ठीक, ये क्या है, ये आपका ये जो जो सेंटर में लाइन जो खींचा हूँ ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है, ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है। तो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर दिखाई देता है, इसलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं। और क्रोमोसोम मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट होता है, जो मिडिल जो रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को सेल का, वहाँ पे आके अरेंज हो जाए रहते हैं मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, ये सेंट्रोमेयर का डिवीजन होगा। सेंट्रोमेयर कौन सा होता है, जो ये वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम का, ये आपका सेंट्रोमेयर है, इसका ऐसे डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद ये एक पोल में जाएगा और ये दूसरा वाला पार्ट दूसरे पोल में जाएगा। तो जो एनाफेज होता है उसमें सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है और जो क्रोमोसोम है वो ऐसे हम लोगों को पोल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी का स्टडी कर कब करते हैं, तो क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी अपन मेटाफेज में करते हैं, जबकि क्रोमोसोम का जो शेप है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप, ऐसा करके इसका शेप होता है कुछ कुछ क्रोमोसोम का, तो जो क्रोमोसोम का जो शेप का स्टडी है वो अपन एनाफेज में करते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका ड्यूरेशन से क्वेश्चन आता है एक माइटोसिस में ड्यूरेशन से, तो ड्यूरेशन को देख लेते हैं अपन। ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा अगर ड्यूरेशन बोलेगा तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम मतलब टेकिंग रहता है इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर टीलोफेज, फिर एनाफेज। शॉर्टेस्ट फेज आपका है कौन सा है, शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज। और लॉन्गेस्ट फेज बोलेगा सेल डिविजन में लॉन्गेस्ट फेज, तो इंटरफेज। और ऑप्शन में अगर इंटरफेज नहीं दिया है, अगर ऑप्शन में इंटरफेज नहीं दिया है तो सेकेंड वन आ जाएगा प्रोफेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेल डिवीजन से आते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल पब्लिश्ड हिज पेपर इन ईयर, मेंडल ने जो है अपना पेपर कौन सी ईयर में पब्लिश किया था। तो इसका आंसर आप सबको पता है, 1866 में जो है मेंडल ने अपना पेपर जो है पब्लिश किया था। मेंडल कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक, मेंडल के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक, मेंडल कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, इन्होंने अपना पेपर 1866 में जो है पब्लिश किया था, और 1884 में इनका डेथ हो गया था, और 1900 में, जो ईयर 1900 है उसमें जो रीडिस्कवरी हुआ था मेंडल्स के वर्क का। ठीक, जो मेंडल्स के वर्क है उसका रीडिस्कवरी हुआ था 1900 में, और तीन साइंटिस्ट ने किया था। ये वाला क्वेश्चन आता है, पहला साइंटिस्ट है ह्यूगो डे वेरिस, दूसरा है कार्ल लोरेंस, तीसरा है सारमर। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो मेंडल्स के जो वर्क है उसका रीडिस्कवरी किया था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स का जो बोर्न है, जेनेटिक्स का बोर्न मतलब जेनेटिक्स का जन्म कब हुआ था, तो 1900 में, क्योंकि रीडिस्कवरी हुआ था मेंडल्स के वर्क का इसलिए। और मेंडल के बारे में पता है, उन्होंने जो गार्डन पी में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, 7 कैरेक्टर लिए थे, जो 7 कैरेक्टर है पी के वो लिए थे, और इनके जो 7 जो कैरेक्टर है वो इन जो है क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट था। पहले नंबर के क्रोमोसोम में, फोर्थ नंबर के क्रोमोसोम में, फिफ्थ नंबर के क्रोमोसोम में, सेवेंथ नंबर के क्रोमोसोम में, और 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट। तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, अभी इतना ही जान लो कि मेंडल के बारे में थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन एक्शन,
जो डुप्लीकेट जीनेशन या जीन इंट्रैक्शन उसका रेशियो क्या होता है। जीन इंट्रैक्शन पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे दो जीन हैं, ये जीन वन है और जीन टू है, ठीक, दो जीन हैं जीन वन और जीन टू, ये दोनों जब एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, ये वाला जीन इसको अफेक्ट करेगा, ये वाला जीन इसको अफेक्ट करेगा, कब अफेक्ट करेगा, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के टाइम जब जीन वन जीन टू को अफेक्ट करेगा या जीन टू जीन वन को अफेक्ट करेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जो डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन है उसका रेशियो होता है 15:1, उसका रेशियो होता है 15:1, और जो बाकी जीन इंट्रैक्शन है उसका मैं आगे बता रहा। अपन डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन का देख लिए 15:1 होता है, ठीक। मास्किंग जीन इंट्रैक्शन या जीन एक्शन का होता है 12:3:1, पॉलीमेरिक जीन एक्शन का होता है 9:6:1, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन इसका वैल्यू होता है, इसका जो मॉडिफाइड रेशियो होता है 9:3:4, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है, ठीक, इसका होता है रेशियो होता है 9:7, और इनहिबिटरी जीन एक्शन होता है, इसका रेशियो होता है 13:3। ये कुछ जीन इंट्रैक्शन है और इनके रेशियो हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों से कि क्या है इसका रेशियो करके। और अगर नॉर्मल जीन एक्शन बोले, नॉर्मल जीन एक्शन, नॉर्मल जीन एक्शन जिसको मेंडल ने दिया था डायहाइब्रिड कॉल में, तो ये होता है 9:3:1, ये आपका नॉर्मल जीन एक्शन है, या नॉर्मल जीन इंट्रैक्शन की बात बोलें, या सिंपल जीन एक्शन या सिंपल एपिस्टेसिस की बात बोलें, तो ये वाला आपका रेशियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिड इनहेरिटेंस। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा इज गिवन बाय, मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है उसमें जो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो इसका आंसर है कार्ला कोरेंस ने दिया था। आप सबको पता ही होगा कि जो कार्ला कोरेंस है उन्होंने प्लास्टिड इनहेरिटेंस दिया था। और प्लास्टिड इनहेरिटेंस है क्या, प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब साइटोप्लाज्मा में कोई जो जीन प्रेजेंट है वो जो है किसी करेक्टर को एक्सप्रेस करता है और वही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो ऐसा जो इनहेरिटेंस होता है इसको अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें दो होता है, एक तो साइटोप्लाज्मा में आप लोगों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और एक जो है क्लोरोप्लास्ट, इनमें इनका खुद का डीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, और वही जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं वही डीएनए, तो वही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वैसे ही जो उनका जो कैरेक्टर भी है वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, तो इसलिए जो प्लास्टिड इनहेरिटेंस है एग्जाम्पल आता है माइटोकॉन्ड्रियल, जो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस है, या फिर जो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस है उसके अंदर बोलना चाहिए प्लास्टिड इनहेरिटेंस आता है। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है प्लास्टिड का, ठीक, इसको कार्ला कोरेंस ने दिया था। अब इसके बाद कुछ कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था। पहला है रेनर, रेनर ने जो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस, अगर बात करेंगे रेनर की तो रेनर ने जो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो है ओइनोथेरा में दिया था, ठीक। प्लास्टिड इनहेरिटेंस अगर बोलेगा मिराबिलिस जलापा में किसने दिया था, तो मिराबिलिस जलापा में आपका कार्ला कोरेंस ने दिया था। अगर वो ओइनोथेरा का नाम दे दिया, ओइनोथेरा का नाम दे दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा रेनर ने, ठीक। एक होता है कास्पेरी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पिगमेंट इनहेरिटेंस, ठीक, पिगमेंट का जो इनहेरिटेंस है उसको दिया था फ्लोर माथ में जो पिगमेंट का इनहेरिटेंस है उसको जो है कास्पेरी ने दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है स्टूटवेन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्टूटवेन ने जो है कॉलिंग पैटर्न होता है वाटर स्नेल में, वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है उसके बारे में दिया था। और इसका बता दूं मैं थोड़ा सा, ये जो है मैटरनल इफेक्ट इसका एग्जाम्पल है, जो अपन पढ़ रहे हैं कॉलिंग पैटर्न इन स्नेल, ये जो है मैटरनल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है मदर का,
जीनोटाइप किसका, मदर। ठीक, मदर का जो जीनोटाइप है वो अफेक्ट करेगा फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। जो मदर का जो जीनोटाइप है वो जब प्रोजेनी के जब फिनोटाइप पे अफेक्ट करेगा तो इसको अपन बोलेंगे मैटरनल इफेक्ट। ये जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से अलग है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया। इसके बाद कार्ल ओकरेंस का तो देख ही लिए अपन, प्लास्टिड इनहेरिटेंस मिराबिली जलापा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, जो डीएनए का जो है कॉमन फॉर्म कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए आप सबको पता ही होगा, बे डीएनए। बे डीएनए जो है कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है। कॉमन फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उसमें हमको बे डीएनए ही जनरली दिखाई देता है। और जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो भी बे डीएनए का ही मॉडल दिया था। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि वाटसन एंड क्रिक ने कौन से फॉर्म ऑफ डीएनए का मॉडल दिया था, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का ही मॉडल दिया था। ठीक, उसके बाद बाकी देख लेते हैं थोड़ा सा, सी डीएनए के बारे में, जेड डीएनए के बारे में, ए डीएनए के बारे में। ठीक, बी डीएनए, जो बी डीएनए आप लोगों को अभी अभी बताया कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है। ठीक, सी डीएनए क्या होता है, सी मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो सी डीएनए का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक, जो सी डीएनए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपको सी डीएनए मिलता है। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, आरएनए से। ठीक, आरएनए से जब आपका डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जो डीएनए बनेगा इसको क्या बोलेंगे अपन, सी डीएनए बोलेंगे। जो डीएनए बनेगा उसको सी डीएनए बोलेंगे। ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। कम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरएनए के जो सीक्वेंस होता है उसका कम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसको कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। इसको जो टेमिनेन बाल्टीमोर ने दिया था, टेमिनेन बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दिया था। इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को और क्या बोलते हैं, तो टेमिनेन बाल्टीमोर ने दिया था इसलिए इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है जेड डीएनए। जेड डीएनए का जो है, जेड डीएनए का नाम दो कारणों से उनका नाम जो है जेड डीएनए है। सबसे पहला कारण है इसका सिंथेसिस जो है, जेड डीएनए का जो सिंथेसिस है जायगोटिन स्टेज में होता है। नहीं, आप लोग जब उसका पढ़ोगे, मियोसिस पढ़ोगे, तो मियोसिस में जो जायगोटिन होता है उसमें थोड़ा सा जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो वो जो डीएनए है वो कौन सा टाइप का डीएनए रहता है, जेड डीएनए रहता है। तो एक तो इसका नाम इसलिए जेड पड़ा, जेड डीएनए इसलिए पड़ा। दूसरा होता है जो शुगर और फास्फेट का जो बॉन्ड है डीएनए, आप लोग पढ़ोगे तो तीन चीज़ों से मिलके बना रहता है। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक, शुगर होता है और फास्फेट होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलके आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो जो शुगर और फास्फेट के जो बीच जो बॉन्ड होता है वो जिग जैग पैटर्न में होता है, ऐसे टाइप से। ये शुगर हो गया, ये फास्फेट हो गया, ये शुगर हो गया, ये फास्फेट हो गया, ये शुगर हो गया, ये फास्फेट हो गया, ऐसे जिग जैग पैटर्न में होता है। तो जेड डीएनए का नाम जेड इसलिए भी पड़ा कि उसमें जो शुगर फास्फेट का जो बॉन्ड है वो जिग जैग होता है इसलिए। ठीक, अब इसके बाद होता है तीसरा जो है फॉर्म है ए डीएनए। ए डीएनए आप लोगों को जनरली जो है डिहाइड्रेट स्टेट में जो है डीएनए का जो भी डिहाइड्रेट स्टेट है उसमें ही दिखाई देता है। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी कॉइलिंग पैटर्न पे या कॉइलिंग पे। ठीक, तो राइट जो जितना भी डीएनए है, ठीक, सभी के सभी राइट हैंडेड डीएनए है। जितना भी डीएनए पढ़ रहे हैं अपन, जैसे कि बी डीएनए हो गया, सी डीएनए हो गया, ए डीएनए हो गया, ये सब के सब राइट हैंडेड रहता है। केवल और केवल एक डीएनए लेफ्ट हैंडेड रहता है। ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो डीएनए है लेफ्ट हैंडेड होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जेड डीएनए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कौन सा डीएनए है जिसमें कॉइलिंग जो है, ठीक, वो लेफ्ट हैंडेड रहता है ऐसा करके। तो आपका आंसर आ जाएगा जेड डीएनए जो है ऐसा डीएनए है जिसमें कॉइलिंग जो है आपका लेफ्ट हैंडेड रहता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई अनदर प्यूरिन कार्ड। ठीक, आप लोगों को प्यूरिन पायरामिडिन पढ़े हो गए, ये दोनों क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसके टाइप है। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरामिडिन। तो प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरामिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक, तो जो अगर इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर एक प्यूरिन जो है, ठीक, मतलब जैसे कि एडेनिन है, इसको जो रिप्लेस कर रहा है ग्वानिन, तो इसको क्या बोलेंगे। एक प्यूरिन जब दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जा रहा है, मतलब जब अगर एडेनिन ग्वानिन को रिप्लेस करेगा या ग्वानिन जो है एडेनिन को रिप्लेस करेगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन को अपन ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक, जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो इसको अपन ट्रांजिशन बोलते हैं। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर एक प्यूरिन पायरामिडिन से रिप्लेस हो रहा है, एक कोई प्यूरिन है जैसे कि एडेनिन मान लेते हैं, या कोई सा भी पायरामिडिन है जैसे कि थायमिन है, इससे रिप्लेस हो रहा है, मतलब ठीक एडेनिन जो है रिप्लेस कर रहा है थायमिन को, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। ठीक, जब प्यूरिन जो है प्यूरिन को करेगा या पायरामिडिन करेगा को करेगा, तो ट्रांसिशन यहाँ पे लिख देता हूँ, प्यूरिन रिप्लेस करेगा प्यूरिन को, या पायरामिडिन जो है रिप्लेस करेगा पायरामिडिन को, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। और अगर प्यूरिन रिप्लेस करेगा पायरामिडिन को, या पायरामिडिन रिप्लेस करेगा प्यूरिन को, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक, और एक तीसरा जो टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एक डीएनए है, ठीक, इसके डीएनए में किसी और का जो है डीएनए आके जुड़ जाता है, जैसे किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए आके जुड़ गया, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रिंसिपल किसने दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आप लोगों को पता होगा, ग्रिफिथ ने दिया था, ग्रिफिथ ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है, नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट इन मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप जो है प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है आप लोगों को पता ही होगा, जो 9 जो है जीनोटाइप के जीनोटाइप हम लोगों को प्रेजेंट होता है। तो जनरली अपन देखते हैं, पहले तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है इसको देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, जब अपन एक कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर को लेके, जैसे कि कोई प्लांट है उसमें टाल है और ड्वार्फ है, ये क्या है, प्लांट हाइट का एक कैरेक्टर, ये क्या है, प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट का है एक कैरेक्टर है, और इसमें दो टाइप हो सकते हैं, एक तो टाल हो सकता है, एक तो ड्वार्फ होता है। तो जो प्लांट हाइट को लेके, मतलब एक ही कैरेक्टर को लेके अपन क्रॉस बनाएंगे, ठीक, एक ही कैरेक्टर को लेके अपन जब क्रॉस बनाएंगे, जैसे कि टाल प्लांट को लिया और ड्वार्फ प्लांट को लिया, इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, ठीक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर अपन कोई दो कैरेक्टर लिए, जैसे प्लांट हाइट में लिया, जैसे प्लांट हाइट में एक टॉल ले लिया और एक सीड शेप ले लिया, सीड शेप में जैसे राउंड ले लिया, और एक लिया ड्वार्फ लिया, और एक और ले लिया रिंकल, इसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल सीड। ठीक, तो ऐसे जब अपन कोई दो कैरेक्टर लेंगे, इसमें से पहला कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट है, पहला कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट है, और दूसरा करेक्टर क्या है, सीड शेप,
ऐसे जब दो करेक्टर लेके अपन क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड बोलेंगे। और डाई हाइब्रिड में जो है आप लोगों को पता होगा दो टाइप के रेशियो मिलते हैं। डाई हाइब्रिड में आप लोगों को दो टाइप के रेशियो मिलते हैं, उसमें से पहला है फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। फिनोटिपिक रेशियो, ठीक, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशियो मतलब अपन जिसको देख के अपन बता सकते हैं कि वो ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई प्लांट है वो टॉल दिखाई दे रहा है तो टॉलनेस उसका क्या है, फिनोटाइप है। कोई प्लांट है छोटा दिखाई दे रहा है तो उसका जो डार्कनेस है वो क्या है, उसका फिनोटाइप है, उसको अपन फिनोटाइप बोलते हैं, जिसको अपन देख के बता सकते हैं। जैसे कोई कलर हो गया तो कलर को अपन देख के बता सकते हैं, तो वो क्या है, फिनोटाइप हो गया, ठीक। अब दूसरा आता है इसमें जीनोटिपिक रेशियो आता है। जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या बोलता है कि वो जो जीन है, ठीक, वो जो जीन है वो कौन से कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजेगस कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब दोनों के दोनों एलील क्या है, सिमिलर हैं, होमोजेगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक, कि हेट्रोजेगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है उनका एलीलिक कंडीशन कैसा है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं अपन, जीनोटिपिक बोलते हैं। जैसे कि बोल दिया कि ये, तो ये हेट्रोजेगस कंडीशन में, तो एक एक ये जीनोटाइप हो गया, ये इसमें जो है दोनों के दोनों क्या है, होमोजेगस कंडीशन में है, ठीक, दोनों के दोनों एलील क्या है, सिमिलर है, तो होमोजेगस कंडीशन में, तो इसका क्या है, जीनोटाइप है, मतलब जीन कौन से कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजेगस डोमिनेंट केस के इसमें प्रेजेंट है, कि हेट्रोजेगस कंडीशन में प्रेजेंट है, कि होमोजेगस रिसेसिव, कि होमोजेगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो ये इसका जीनोटाइप हो जाता है, ठीक। तो हम लोगों को कभी भी बोलेगा, ठीक, कि जीनोटाइप कितना होता है किसी में भी, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F2 पॉपुलेशन, ठीक, F2 पॉपुलेशन में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है 3D पावर ऑफ n, 3 के घात में n। यहाँ पे n क्या है, n जो है आपका है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या डाई हाइब्रिड क्रॉस, या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। मोनोहाइब्रिड, इनका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है कि ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है, तो आप इसको, इस फार्मूले को अपन अप्लाई करते हैं 3D पावर n, ठीक। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको तीन टाइप के जो है जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक, तीन टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे कि इसमें F2 जनरेशन में अगर आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओगे तो आप लोग देखना जो जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो वो क्या होता है, 1:2:1। तो ये आप लोगों को तीन टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक। ये क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है, तो आप लोगों को तीन टाइप के जीनोटाइप मिलेगा किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर इसी को बोल देगा डाई हाइब्रिड है तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपको 9 टाइप के जो है जीनोटाइप्स मिलेंगे अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डाई हाइब्रिड होता है उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 12 24 12 12 1। इसको काउंट करोगे तो 9 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9। तो आप लोगों को 9 टाइप के जीनोटाइप मिलता है अगर वो डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो, अगर यही ट्राईहाइब्रिड के केस में करेंगे, ठीक, अगर यही अपन ट्राईहाइब्रिड के केस में करेंगे तो अपन को 27 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे F2 में। F2 में जो है 27 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे F2 में। तो ये एक फार्मूला है मेंडेलियन जेनेटिक्स का। तो इसमें और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उन सब का हो सके तो एक आध दिन मैं सोचा हूँ वीडियो बनाऊंगा उसका, एक क्लास अगर आप लोग बोलोगे तो एक क्लास उसका बना दूंगा, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड और जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो सब एक बार में मैं कवर अप कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन गिवन बाय, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो है किसने दिया था, तो आप लोगों को पता होगा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन किसने दिया था, बेंजर ने दिया था। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन बेंजर ने दिया था। बेंजर ने क्या बोला था कि जीन के तीन पार्ट होते हैं, ठीक, कोई भी जीन है तो उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्ट्रॉन, ठीक, ये फंक्शनल यूनिट है,
एक होता है म्यूटॉन, म्यूटेबल यूनिट है, या म्यूटेशन म्यूटेबल यूनिट है, मतलब म्यूटेशन जो होता है आपका म्यूटॉन में होता है, जीन के किस पार्ट में होता है, म्यूटॉन में होता है। और तीसरा होता है रिकॉन, रिकॉम्बिनेशन यूनिट है, मतलब जो अगर जितने भी रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर भी क्या है, एक रिकॉम्बिनेशन का टाइप है। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, रिकॉन में होगा। म्यूटेशन कहाँ पे होगा, म्यूटॉन में होगा। और सिस्ट्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी जीन का। तो इनका एक और चीज़ आता है, साइज पूछते हैं, मतलब किसका लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, लेंथ के बारे में पूछते हैं। तो लेंथ आप सबको बता दूँ, सबसे ज़्यादा सिस्ट्रॉन का रहता है, ठीक, फिर रिकॉन का रहता है, फिर म्यूटॉन का रहता है। तो सबसे लेंथ जो है ज़्यादा सिस्ट्रॉन का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा, म्यूटॉन का रहेगा। ये वाला जो चीज़ है कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद कुछ कुछ जो साइंटिस्ट है उसमें से बेट्सन ने जो है टर्म दिया था, जेनेटिक टर्म दिया था, ठीक। दूसरा साइंटिस्ट जो है जॉनसन है, जॉनसन ने जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म दिया था। बेंजर का मैंने अभी बताया कि जो उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन दिया था। मेथा ने जो है पॉलीजीन टर्म दिया था। पॉलीजीन क्या होता है, जब कोई एक करेक्टर बहुत सारे जीन से गवर्न हो, जीन वन, जीन टू, जीन थ्री, जीन फोर, जब कोई एक करेक्टर बहुत सारे जीन से गवर्न हो, तो ऐसा जो करेक्टर है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक करेक्टर, और इन जीन्स को बोलते हैं पॉलीजीन्स। जो करेक्टर होता है उसको पॉलीजेनिक करेक्टर बोलते हैं, और इन जीन्स को बोलते हैं पॉलीजीन्स, ठीक। तो पॉलीजीन्स का ये है, इसका जो टर्म है मेथा ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म पॉलीजीन गिवन बाय, टर्म में पॉलीजीन का अभी पढ़े, जस्ट मेथा ने जो है इसका टर्म दिया था, बाकी साइंटिस्ट का अपन पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एक्रिकल्चर चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।